समाज सेवी शिव गोपाल कालिया ने नशे हिमाचल और पंजाब सीमा पर दरल्ले से हो रहे नशे के कारोबार के विरोध में पैगम्बर इंकलाब यात्रा निकाली है। लोगों को संदेश दिया है कि बच्चों को नशे से दूर रखें, बच्चों को खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि नशा हमारे समाज को खोखला करता चला जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर हिमाचल और पंजाब सीमा पर लगातार बढ़ रहे नशे के काले कारोबार के खिलाफ समाज सेवी शिव कुमार कालिया ने पैगामे इंकलाब यात्रा शुरू की है। ये यात्रा हिमाचल सीमा से शुरू हुई है जो कि पंजाब के रोपड़ जिला तक चलेगी। ये पैगाम इंकलाब यात्रा छठी बार एक पत्रकार के द्वारा नशे के विरोध में की गई है। चिलचिलाती धूप में साइकिल पर सवार होकर नशे के जहर के खिलाफ वो युवाओं को संदेश दे रहे हैं। समाज सेवी शिव कुमार कालिया ने नशे के खिलाफ हिमाचल और पंजाब की सीमा पर नशे के कारोबारियों के विरुद्ध ये यात्रा निकाली है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि वे अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, बच्चों को खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित करने में विशेष योगदान दें, क्योंकि नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। शिव कालिया ने अपनी साइकिल पर ये छठी यात्रा शुरू की है और ये पैगाम इंकलाब यात्रा जिला बिलासपुर के ग्वालथाई बरमाला से लेकर जिला रोपड़ तक शुरू की है। उन्होंने अपने संदेश में हिमाचल और पंजाब पुलिस से मांग की है कि पंजाब और हिमाचल के सीमा पर नशे की तस्करी को बंद करवाने में अपना सहयोग करें और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन तस्करों को गिरफ्तार करे जो इस तरह के नशे का कारोबार कर देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। इंकलाब का जो मेरा छेवा सफर है, इस पैगामी इंकलाब की यात्रा निकालना मेरा मकसद है नौजवान पीढ़ी को देशभक्ति के साथ जोड़ना। पर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज नौजवान पीढ़ी को शरेआम नशे परोसकर देशभक्ति से दूर किया जा रहा है। मैं हिमाचल और पंजाब की सरकारों से, पुलिस से बेनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि जिस तरह इन बॉर्डरों के ऊपर नशे की तस्करी हो रही है, जिन गांवों में नशे की तस्करी हो रही है, उन गांवों के नशा तस्करों को सख्ती से काबू करके हमारे समाज में जो गंदगी फैल चुकी है नशे की, उसको साफ किया जाए। जय भारत माता। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।